अभी आते वक्त स्टूडियो जुहू पे हर जगह ये जो कचरा जो प्लास्टिक है ना वो बहुत ज़्यादा चीज़ है, बहुत ज़्यादा चीज़ है, वो उड़ते रहते सारी मतलब लेक्स हमारे हमारी नदियाँ सब क्लॉग हो जाती हैं, बहुत नुकसानदेह, बहुत गंदी, बहुत बुरी चीज़ है। मैं ये भी कोशिश में लगी हुई हूँ कि पेपर बैग्स बने ताकि सब्जी भाजी फल जो भी आप रसद ग्रोसरी लेने जाते हैं पेपर बैग में डालिए, प्लास्टिक में डालने की क्या ज़रूरत है। और ये कैसे करेंगे आप लोग, मेरी समझ में नहीं आता। जो हम हिंदुस्तानी पान के बड़े शौकीन हैं, पान बहुत खाते हैं, क्या छोड़ देते हैं, उसको रोकना भी बहुत ज़रूरी है। एक दो दफ़ा मैंने रोड पे किसी को डांटा तो एक चौक के कहने लगे, मैंने कहा बहुत गंदा है, आप पहले बीमार हो जाएंगे फिर घर जाके आपके सारे खानदान को बीमार करेंगे। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने कहा सॉरी का मतलब ये है अब दोबारा नहीं करेंगे इस चीज़ को, मगर चूँकि पान के शौकीन हैं उसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा क्योंकि उसको पान अभी यहाँ पर एक और सज्जन आज होगी इसी बात का पान का उन्होंने ये सजेशन दिया कि शरीर के अंदर एक ऐसा धूपदान होना चाहिए जो कि कुछ इन्वेंशन हो जिससे कि धूपदान की तरह हो। और ये सब चीज़ की आदत डालने के लिए मेरे ख्याल से कि बहुत हेवी फाइन होनी चाहिए चंदन के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमर जी, और एक बार फिर हम सब प्रयत्नशील हैं इस स्वच्छ भारत अभियान में, और यहाँ सबके सामने आपके सामने भी प्रण करते हैं कि अपने आप को हम समर्पित करते हैं जो आप योजना कर रहे हैं गंगा की सफाई के लिए। जिस देश में गंगा बहती है